माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में स्थित माँ पीताम्बरा के प्रसिद्ध सिद्ध स्थान में गुरु पूर्णिमा एवं छप्पन भोग को लेकर रविवार को मासिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने विधिवत रूप से गौरी गणेश पंचोपचार षोडशोपचार नवग्रह पूजन कलश पूजन उपरांत माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप किया। माँ बगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत हवन यज्ञ में आए हुए सभी माँ भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति में गुरु का दर्जा ही सबसे बड़ा दर्जा है। गुरु पूर्णिमा पूर्णता का संदेश देती है जो सेवा से ही संभव है। सेवा का भक्ति में विशेष स्थान है। सेवा आपको निखालित बनाती है। सेवा भाव प्रेम और प्रीति जगाता है जो भक्ति के लिए अति आवश्यक है। नवजीत भारद्वाज ने आगे कहा कि बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं होता, इसलिए गुरु ही सर्वप्रथम पूजनीय होता है। हवन यज्ञ व आरती के उपरांत कंचन मदान एवं स्त्री सत्संग सभा संजीव सामरिया एंड पार्टी द्वारा माँ बगलामुखी जी का गुणगान भी किया गया। इस दौरान माँ बगलामुखी जी को छप्पन भोग लगाए गए। माँ भक्तों ने अपने अपने घरों से विभिन्न प्रकार के मिष्ठान मिठाई बनाकर माँ बगलामुखी जी को भोग अर्पित किए। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, एसटीएससी कमीशन के विजय सांपला, विक्की कालिया, कमलजीत सिंह भाटिया, मधु राणा, अमरजीत सिंह अमरी, एसपी अस्पताल एवं तिलक राज कपूर अस्पताल से डॉक्टर आशीष कपूर एवं डॉक्टर नवनीत कपूर विशेष रूप से छप्पन भोग में सम्मिलित हुए। हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, हंसराज राणा, जोगिंदर सिंह, विक्रम भसीन, अमरजीत सिंह, मुनीश शर्मा, विक्रांत शर्मा, बाबा जोशी, करनेश संदल, संजीव शर्मा, श्री गोपाल मालपानी, संजीव सांवरिया, रोहित बहल, अश्विनी शर्मा, गुलशन शर्मा, गौरव कोहली, डॉक्टर जसवीर अरोड़ा, गुन्नू, अमरेंद्र कुमार शर्मा, ललित मल्होत्रा, इंजीनियर किशोर शर्मा, मुकेश चौधरी, पूजा अरोड़ा, राजवीर कौर, हितेश, पंकज, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, मोहित बहल, अशोक शर्मा, रोहित मल्होत्रा, प्रिंस राकेश, प्रवीण, सुनील जग्गी, प्रिंस सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती के उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी माँ राणी विराजमान है। माँ बगलामुखी धाम के अज हर साल की तरह छप्पन प्रकार का भोग माँ के चरणों में लगाया गया। अब माँ की अपार कृपा के नाल अज हवन यज्ञ होया। उस हवन यज्ञ के सारे ने अपनी अपनी मनोकामना के नाल आहुतियां पाईया। माँ राणी ने उन्होंने मनोकामना पूरी करे। सप्ताहिक हवन यज्ञ होंगे। हवन यज्ञ के शनिवार भी हवन यज्ञ होंगे। तो अज बहुत ही वड्डा हवन यज्ञ होया जिस छप्पन प्रकार के भोग लगने हैं। सारे ने अपने अपने घरों श्रद्धा भावना के नाल माँ के कोल लिया के सावन माह महीना चल रहा। सावन के महीने असं हर साल इतने माँ के चरण भोग लगाने हैं। तो सारे ने अपने अपने घरों बहुत ही वधिया ढंग के नाल सुचे ढंग सुचे समान बना के लिया के माँ को भोग लगाया। अज बहुत ही माँ की कृपा। बाहर सारे महामारी का गुणगान कर रहे हैं। मैं दूर तक जो तक आवाज़ आती है मैं सारे कहंगा माँ के चरणों में जुड़ो, हिंदू धार्मिक संस्कृति में जुड़ो। जय माता दी करो, जय माँ बगलामुखी। सावन महीने की है 25 जुलाई 2021 अज दिन बहुत वड्डा टाइम है जिस दिन असं छप्पन भोग महामाई बगलामुखी लगाए ने।
यह छप्पन भोग हर जिस भगत की मनोकामना माँ ने पूरी की है अपने घरों बना के लगाया है। किसी ने फ्रूटी लाई है, किसी ने लिमका लाई है, किसी ने कुछ समोसे बनाए ने, खिचड़ी बनाई है। सब अपने अपने घरों शुद्ध वस्त्र डाल के सारे अपने वहाँ माई के भगत सारे आए ने सावन महीने में। मैं चाहना माँ बगला मुखी धाम के गुरमोहर सिटी जलंधर शहर लंबा पिंड चौंक के आके अपनी अपनी मनोकामना पूरी करो। जय माँ बगला मुखी। अज माँ बगला मुखी दरबार के गुरमोहर सिटी जिते कि हर साल हवन जग अनंत माई माँ माई की कृपा के नाल इतने भजन संकीर्तन होंदा है। अज इस दरबार के नतमस्तक होना आए और माँ माई का आशीर्वाद लैना आए हैं क्योंकि माँ बगला मुखी के दरबार के जो भी आसा असी लैके जाने जो मंगा लैके जाने जो श्रद्धा भावना के नाल असी अरदास करते हैं और अरदास हमेशा प्रवान होंगी है। जिस तरह हिमाचल के माँ बगला मुखी के दरबार के हवन यग करवा के लोग अपन सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उस दरबार के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। इस तरह जलंधर शहर के माँ बगला मुखी दरबार जिन्हें के निर्माण बहुत सत्कारयोग नवनीत भागवा जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग नीलकंठ जज जी उन्होंने समुची टीम ने इस दरबार का भव्य निर्माण किया और हर साल संगत की इतने हाजिरी लगा के सानू आशीर्वाद प्राप्त होता है और छप्पन भोग लगाए जाते हैं। उस तरह संजीव सवरिया जी तो उन्होंने पार्टी जी माँ माई का गुणगान कर रही है। मैं इस मुबारक मौके के उत्ते अपने वालों अपनी पार्टी वालों जिते माँ माई के चरणों के अरदास करदा हाजिरी लवाना उत्ते सारे लख लख बधाई देना क्योंकि इस दरबार के असी माँ माई के चरणों के अरदास लैके आए हैं। माँ करी जो साढ़े ते कृपा करे जिते इस करोना महामारी तो सारे निजात मिले उत्ते असी झोलियाँ अड़ के अरदास लैके आए हैं कि माँ माई साढ़े ते कृपा करो। माँ बगला मुखी जी अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुरमोहर सिटी स्थित है माँ के इस भव्य मंदिर के हर साल की तरह इस साल भी जुलाई महीने के जिहड़ा सावन महीने का आखिरी रविवार आता है उसके उपलक्ष्य माँ बगला मुखी जी को छप्पन भोग लगाए जाते हैं और अज असी तो छप्पन कहने कई सौ छप्पन भोग प्रकार के महामाई के कोई कोफ्ते घरों बना के लिया है, कोई चावल मिठे बना के लिया है, कोई नमकीन, कोई सेवियां बना के लिया है। श्रद्धालुओं के मन के अंदर इन्ना उल्लास और इन्ना जश्न वर्गा माहौल सेगा जिहड़ा ठठा मारदा सी और लगातार हजूम हर कोई अपने घरों बना के प्रसाद दे रहा जिन्हां दे कोई सूटेबिलिटी नहीं है घर की वह बाहरों लैके आ रहे हैं और असंख्य मतलब माँ के चरणों च की शब्द कहीए साडे कोई शब्द कोई नहीं है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करदा महामाई के चरणों च और सारे सेवादारां नूं और सारे आए हुए भगतों यही महामाई मोहरे फरियाद करदा सारे वालों कि माँ सारे के घर परिवार सुख शांति दिओ और अतुलित बल दिओ। इदां ही तुहाडे नाम दी नाम लेवा जिहड़ी संगत है वह लगातार तुहाडे दरबार से आवे और अपनियां झोलियां खुशियां नाल भर के लगे जाए। जय माँ बगला मुखी। जय माँ बगला मुखी। अज बगला मुखी धाम के छप्पन भोग का माता रानी में जोड़ा भोग लगा हुआ है वो सारा अरेजमेंट जोड़ा वै भागवा साहब की निगरानी के हेठ माता रानी ने अपनी कृपा नाल करवाया जिद्द सू भी कपूर परिवार मैनू
अपने फादर साहब का हुक्म होया श्री हरीश कपूर जी का कि तुम छोटे ब्रदर रमीश जी के नाल जाके इतने मत्था टेको तो माता रानी के चरणों के अरदास करो कि जड़ा करोना रूपी महामारी फैली हुई है माता रानी सारे दुश्मनों का नाश करती है जिमें उदा ही सारे संसार के करोना रूपी महामारी का नाश करे तो सारे देश का कल्याण करे। जय मां बगलामरा, जय मां बगलामुखी। अज बहुत ही शुभ दिहाड़ा माँ बगलामुखी धाम दे विच सावन दे महीने दा अज दे दिन दे उत्ते 56 भोग दा जिहड़ा व्यवस्था अरेंजमेंट किया गया और सो मैं सारे प्रबंधकां दा सारी संगत दा जिहड़े प्रबंधक दा उन्हां दा तह दिलों शुक्रगुजार कर रहा कि उन्होंने माँ बगलामुखी दे चरणों दे नाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਮਿਲੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ।